नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें कई सारे लाइन सीरीज होते हैं ना, लाइमर सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज होता है। तो ये बाल्मर सीरीज से रिलेटेड सवाल है। जैसे ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सवाल में कहा गया द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज ए वेवलेंथ ऑफ 6561 एंगस्ट्रम, द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द बाल्मर सीरीज इज। तो फर्स्ट मेंबर कब आता है, जब थर्ड में से सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो, ठीक। ये हो गया फर्स्ट बाल्मर सीरीज। तो और दूसरा वाला कब आएगा, जब फोर्थ से सेकेंड में जाएगा। बाल्मर सीरीज होता है किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो जो रेडिएशन निकलता है वो बाल्मर सीरीज में आता है ना। तो फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो जो फॉर्मूला है ना, ये 1/λ1 मैं लिख देता हूं, है ना। यह आएगा रीडबर्ग कांस्टेंट इनटू आर जेड स्क्वायर होता है। एक्चुअली में जेड का वैल्यू 1 रखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए बात किया गया, तो जेड का वैल्यू 1 रख दिया हमने, है ना, ठीक आ गया। उसके बाद 1/2 ये फाइनल है और 3 का स्क्वायर, है ना, 3 से 2 में जा रहा है तो फाइनली 2 में गया, इनिशियली 3 में था। उसके बाद जो दूसरा वाला लाइन है उसमें 4 से 2 में जाएगा तो यह आएगा 1/2² - 1/4². इसमें लैम्डा 1 दिया है, लैम्डा 2 हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका रेशियो निकाल देता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा λ2/λ1, ये आएगा, है ना। और इधर आएगा, ये देखेंगे 1/2² - 1/3² / 1/2² - 1/4². तो यहाँ से हमें लैम्डा 2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो लैम्डा 2 आएगा इज इक्वल टू लैम्डा 1, यह आ जाएगा 1/4 - 1/9, और इधर आएगा 1/4 - 1/16, है ना। तो 1/λ1 इंटू, इसमें ले लेते हैं 9 × 4, तो 9 - 4, इसमें तो LCM 16 ही आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा 4 - 1। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, इस 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो λ1 × 9 - 4 = 5/9, और ये आएगा 3/4, है ना। तो लैम्डा 2 का वैल्यू आएगा, लैम्डा 1 दिया गया 6561 एंगस्ट्रम, अगर इसको नैनोमीटर में रखना है, है ना, तो 0.1 नैनोमीटर कर सकते हैं। ये लैम्डा 1 हो गया इंटू 5/9 × 4/3, यह जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, नैनोमीटर में आएगा तो यह आएगा 489 नैनोमीटर। तो इसका जो भी आंसर है वो आएगा इतना, 489, जो कि इंटीजर वैल्यू है ना। इसमें जो है आप देखेंगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये 489 नहीं आएगा बल्कि 486 नैनोमीटर आएगा, है ना। तो इसको करेक्ट करेंगे आप, आंसर जो है इसका 486 आएगा, है ना।